नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर मैं हूं अंकित अवस्थी आप है मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि आप लोगों को बहुत सारी इंडियन पॉलिटी की बातें सिखाएगा राजव्यवस्था के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण टाइटल है ये आज का सेशन आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स याद करने की जिम्मेदारी देगा साथ ही साथ आपको भारतीय राजनीति को समझने में और राज व्यवस्था को समझने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा तो आइए हेडिंग के ऊपर ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं और टाइटल लिखा हुआ है अब नो वोट फॉर कैश यानी कि अब पैसे के लिए वोट नहीं दिया जा सकेगा अब इसका क्या मतलब है और हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि अगर ये फैसला पहले आया होता तो भाई साहब कई बार सरकारें जेल चली गई होती ऐसा क्यों कह रहे हैं आइए डिटेल में बताते हैं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है बाय द वे संवैधानिक बेंच क्या होती है वो बेंच जो संविधान के मुद्दों पर अपनी राय रखती हो यानी कि संविधान में अगर कोई बात अस्पष्ट है तो अपनी बात अपनी तरफ से बताती हो कि ये आर्टिकल ये नहीं ये कहना चाहता है मान लीजिए कि हमारे संविधान के अंदर कोई आर्टिकल है जिसकी व्याख्या के अनुसार कोई आर्टिकल है जिसकी व्याख्या के अनुसार मेंशन किया गया है कि आपका ये विशेष अधिकार है उदाहरण के लिए हमारी संसद में जो सांसद हैं उन्हें इम्यूनिटी मिली हुई है किस बात की कि वो संसद के अंदर जो भी भाषण देंगे उसके ऊपर उनका केस नहीं हो सकता बिल्कुल वैसे ही जैसे विधानसभा के अंदर विधायकों को इम्यूनिटी मिली हुई है कि उनके ऊपर केस नहीं हो सकता ठीक इसी प्रकार से हमारे विधायक और सांसद अपनी विधानसभाओं और सांसद संसद में अगर कोई भी भाषण देते हैं या किसी को वोट देते हैं तो उसके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई कि इन्होंने ये भाषण क्यों दे दिया या इन्होंने इसको वोट क्यों दे दिया इस पर केस नहीं हो सकता यह विशेष अधिकार हमारी संसद में संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 105 सौ पांच क्लॉज दो और 194 नाइन्टी क्लॉज दो के अंदर सुरक्षित किया हुआ है लेकिन अब अगर मान लीजिए कि आपने अपने वोट को या अपने भाषण को किसी से पैसे लेकर दिया हो और ये बात प्रूव हो जाती हो कि आपने पैसे लेकर ऐसा किया है तो आज के बाद से जब से यह फैसला आया है तब से अब यह एक आपराधिक कृत्य माना जाएगा और ऐसी स्थिति में सांसद और विधायकों को मिलने वाला विशेष अधिकार अब नहीं बचेगा ऐसी स्थिति में यह निर्णय बेहद महत्वपूर्ण होता है कि भविष्य में खरीद फरोख्त की राजनीति बंद हो जाएगी आप कहेंगे खरीद फरोख्त का कोई उदाहरण है क्या बिल्कुल है हाल ही में मैंने आप लोगों को एक सेशन कराया था जिसमें मैंने बताया था किस प्रकार से टीएमसी की एक सांसद है मऊआ मोइत्रा जिनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने एक उद्योगपति से कुछ गिफ्ट्स और कुछ उपहार लेकर के अपने लोकसभा के प्रश्न पूछने वाले अकाउंट का एक्सेस भी उन्हीं को दिया हुआ था यहां तक कि श्री हिरिया चंदानी जी जो हैं, इनके पास में महुआ मोइत्रा का कंप्लीट एक्सेस था जिसके माध्यम से वो अंबानी और अडानी के बारे में डिटेल जानकारी महुआ मोइत्रा के माध्यम से संसद के अंदर निकलवाते रहते थे यानी सवाल उनके पूछने वाली मैडम हुआ करती थी टेक्निकली सांसद महुआ मोइत्रा हैं ये तो उद्योगपति हैं जो अपना काम बना रहे थे इस प्रकार के जो प्रश्नों की فهرست निकलकर बाहर आई तब जाकर संसद ने हालांकि खुद से निर्णय लेते हुए इनकी सांसदोंदी को रद्द कर दिया लेकिन इसके बाद भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई टेक्निकली इनके ऊपर संसद ने तो अपना कार्यवाही कर दिया लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई नहीं करी पुलिस की कार्रवाई कैसे अगर पुलिस चाहती तो इनके इस कृत्य के ऊपर इन्हें गिरफ्तार कर सकती थी लेकिन इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका क्यों क्योंकि इन्होंने संसद के अंदर रहते हुए ऐसा किया था और संसद में आर्टिकल 105 सौ पांच क्लॉज दो यह विशेष अधिकार के अंदर सुरक्षा देता है कि इस कृत्य के लिए इन पर केस नहीं चलाया जा सकता तो क्या यह पहला मामला है अजी नहीं इतिहास बहुत पुराना है बहुत पुराने इतिहास में कई ऐसी सरकारों की बातें हैं जिनके बारे में आप जानेंगे तो खुद से हैरान हो जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा हुआ था और क्या वाकई में इसका ऐसा कोई एविडेंस है जरूर आज के सेशन में बताएंगे साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब किसी भी एमपी और एमएलए को रिश्वत लेकर वोट देने के मामले में कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी यही कारण है कि यह वस्तु हेडलाइन बन जाती है सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है प्रधानमंत्री के द्वारा तमाम नेताओं के द्वारा जो भी इस प्रकार की बातों में लिप्त हैं कि भैया किसी प्रकार से खरीद फरोख्त तो नहीं होनी चाहिए उन सबके द्वारा इस फैसले का स्वागत किया गया है चूंकि यह है पार्ट आठ अपने यूपीएससी के आ, सिलेबस के जीएस पेपर टू का महत्वपूर्ण पार्ट है इसलिए आप इस सेशन को डिटेल में अब पढ़ने जा रहे हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं जैसा मैंने आप सभी से कहा कि रिश्वत लेकर सदन में वोट देने के मामले में सांसदों और विधायकों के विशेष अधिकार के मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो बड़ा सवाल यह है कि क्या यह केवल पहला मामला था क्या जब सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के अंदर ये मामला गया था, या इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मामला जा चुका है तो मेरे प्यारे साथियों आज से पच्चीस साल पहले भी नाइनटीन में भी सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ही फैसला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने तीन दो से फैसला देते हुए हमारे सांसदों को और विधायकों को रिश्वत के मामले में सुरक्षा प्रदान कर दी थी कि कोई बात नहीं रिश्वत लिया तो क्या हुआ आप माननीय है सांसद हैं आप माननीय है विधायक हैं आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पुराने फैसले को पलट दिया है अब यह ध्यान रखिएगा एज एन स्टूडेंट अगर कोई सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदलती है संवैधानिक बेंच का तो वो ज्यादा जजेस की बेंच से बदला जाता है यानी कि अगर पांच जजेस की संवैधानिक बेंच ने कोई फैसला किया है तो उसे पलटने के लिए छह जजेस नहीं सात जजेस की बेंच लगेगी ऑड नंबर्स में क्यों रखते हैं ताकि बहुमत का निर्णय हो सके मान लो रख दिया तो तीन तीन से क्या पता मत विभाजित हो जाए इसलिए हमेशा ऑड नंबर्स में नंबर संवैधानिक बेंच के रखे जाते हैं अब मान लीजिए सात जजेस की बेंच का फैसला बदलना है तो नौ जज लगेंगे नौ का बदलना है तो ग्यारह लगेंगे ग्यारह का बदलना है तो तेरह लगेंगे इस प्रकार से जजेस की बेंच डिसाइड होती है ठीक है तो फिलहाल भारत के जो सीजेआई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसमें डी वाई चंद्रचूड़ साहब बोपन्ना साहब सुंदरेश प्रकार नरसिम्हा जी

तो ऐसी स्थिति में यहां पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड साहब ने कहा कि हम मानते हैं कि रिश्वतखोरी संसदीय विशेष अधिकार नहीं है क्योंकि 1998 में कुछ इस प्रकार से रिश्वतखोरी को विशेष अधिकार का ही हिस्सा मान लिया गया था यानी यह मान लिया गया था कि अरे माननीय है, सांसद है तो ले सकते हैं मैं वो प्रकरण बताऊंगा क्या प्रकरण था फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि रिश्वतखोरी कोई विशेष अधिकार थोड़ी है कि साहब जिस प्रकार से वोट देने का अधिकार संसद के अंदर सांसदों का है या विधायकों का विधानसभा में है उस प्रकार का विशेष अधिकार नहीं भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारत के संसदीय लोकतंत्र को तबाह कर देंगे ऐसा डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने अपनी सात जजेस की बेंच के माध्यम से फैसला सुनाते हुए कहा आप चाहें तो इस फैसले को सुन सकते हैं हालांकि बहुत लंबा फैसला है ऑडियो स्पष्ट नहीं है मैंने सार आपको बता दिया है इस तरह से जजेस बैठते हैं देखिए तीन तीन छह और सात आपको बिल्कुल स्टैच्यू लग रहे होंगे लेकिन ये चल रहा है वीडियो तो ये वीडियो चल रहा है आप देख सकते हैं थोड़े बहुत गर्दन हिल रही है, हिल रही है, है ना ठीक है चलिए इसका प्रधानमंत्री के द्वारा स्वागत किया गया कि अब इससे क्लीन पॉलिटिक्स हो पाएगी ऐसा इन्होंने कहा अच्छा अब यह क्या है पूरी कहानी इसको यहां पर भी सर।

ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है जैसे हाल ही में कहा गया कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जब चुनाव हुआ राज्यसभा का तब कांग्रेस के कई विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट दे दिया था ऐसी स्थिति में संभव है कि उनके ऊपर भी रिश्वत का केस चल जाए यानी कि यह मामला इससे कोई भी पार्टी अब बचने वाली नहीं है यानी कि जिसने भी पैसा लेके वोट दिया है पार्लियामेंट में सब इसमें नपेंगी ठीक है हमने इस बारे में आप लोगों को अपडेट चार मार्च को ही अपने ट्विटर अकाउंट पर दे दिया था अगर आप चाहें तो हमें वहां फॉलो कर सकते हैं हम हर सुर की जो भी देश के अंदर बड़ी है उसको आपको तत्काल प्रभाव से अपडेट देते रहते हैं अब चर्चा करते हैं वो केस कौन सा था जिसके बारे में चर्चा की गई है नरसिम्हा राव का वो फैसला कौन सा था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है कहा है कि हम संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर आर्टिकल 105 का क्लॉज दो और एक सौ का क्लॉज दो अच्छा ये जो एक सौ का क्लॉज दो है ना ये संसद के अंदर बोलने की इम्यूनिटी प्रदान करता है और ये जो एक सौ चौरानवे का क्लॉज दो है ये विधानसभा के अंदर बोलने की इम्यूनिटी प्रदान करता है ये दो पॉइंट है जो ध्यान रखने है भाई क्या क्या संसद के अंदर बोलने की इम्यूनिटी प्रदान करना ये वाला जो पॉइंट है ये एक सौ पांच क्लॉज दो में आता है और ये एक सौ चौरानवे क्लॉज दो के अंदर विधानसभा का पॉइंट आता है ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्हें ध्यान रखिएगा ठीक है साहब तो यहां पर इनमें क्या कहा गया है कि अब हम इस प्रकार की छूट नहीं देंगे तो क्या कहानी है क्या था मामला नरसिम्हा राव केस के अंदर जिसमें की इस प्रकार की बात के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था की तरफ से बने थे जब राजीव गांधी जी नहीं रहे साथियों नरसिम्हा राव जी के बारे में कहा जाता है कि आप आर्थिक उदारीकरण के उस दौर में रहे जब उन्नीस के अंदर मनमोहन सिंह जी इनके वित्त मंत्री हुआ करते थे और जो एलपीजी रिफॉर्म लेकर आए थे तो पीवी नरसिम्हा राव साहब उस समय पीएम हुआ करते थे उन्नीस सौ के अंदर लेकिन उन्नीस सौ की सरकार से पहले भी कुछ कहानियां थी अब वो कहानियां चर्चा में ले लेते हैं देखिए भारत के पीवी नरसिम्हा राव साहब जब प्रधानमंत्री बने थे ना उस समय हुआ क्या था कि कुछ समय पूर्व ही उन्नीस के अंदर बोफोर्स केस के चलते हुए कांग्रेस को सत्ता खोनी पड़ी थी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी इसके चलते उन्नीस के अंदर लोकसभा चुनाव हुआ था 1989 में सरकार पर कई आरोप लगे थे जिनमें बोफोर्स तोप के घोटाले का आरोप बड़ा था जिसके चलते कांग्रेस की सरकार चली गई थी कांग्रेस उन्नीस सौ में, में चुनाव लड़ती है चूंकि राजीव गांधी जी नहीं बचे थे तो एक जनता में सेंटिमेंट भी था सत्ता दोबारा से बनकर आती है सरकार बड़ी बन मतलब कांग्रेस वापस जीत कर आती है लेकिन यह इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस बार कांग्रेस बहुमत में नहीं आई थी तो फिर क्या हुआ तो इस बार कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी तो थी लेकिन बहुमत नहीं था पार्टी ने सत्यासी सीटों पर चुनाव लड़ा था इनमें से सीटें सीटें ही वो जीत पाई थी 543 सीटे होती हैं लेकिन चार जीते थे और बहुमत के लिए दो सीटें हैं तो निश्चित ही इससे कम था कम था तो इनको गठजोड़ करने की आवश्यकता थी प्रधानमंत्री के रूप में पीवी नरसिम्हा राव साहब को प्रधानमंत्री का नाम दिया गया कि ठीक है साहब अब कोई कांग्रेस परिवार से नहीं पीवी नरसिम्हा राव साहब को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा अच्छा यह दौर वो था जिस समय भारत का सोना गिरवी रखने जा रहे थे हम लोग मतलब ये वो दौर था जिस समय आर्थिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ी हुई थी एक तरफ घोटाले की बात चल रही थी बोफोर्स घोटाला हो चुका था उन्नीस सौ में, में आर्थिक संकट इतना बड़ा आ चुका था प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी थी बड़ा दौर था और इतना ही नहीं उन्नीस के अंदर बाबरी मस्जिद का विध्वंस भी इन्हीं के दौर में हुआ था तो ऐसी स्थिति में दौर खतरनाक था तो अब बोले किसी और के नाम पर जैसे होता है ना कि इमरान खान शहबाज शरीफ और ये सब सरकारें चल रही हैं तो बोले देश पाकिस्तान फेल माना जाए तो तो किसके नाम पर तो बोले एक काम करो अंतरिम प्रधानमंत्री बना दो फेल होगा तो उसके नाम पर ठीकरा फूटेगा तो ऐसा पी वी नरसिम्हा राव को पीएम बना करके बोले अब अगर फेल मारता है तो इसके नाम पर आएगा लेकिन उसी समय पर एलपीजी रिफॉर्म मनमोहन सिंह जी ने रिस्क लेकर पीवी नरसिम्हा राव के साथ मिलकर कर दिए और देश आर्थिक उदारीकरण के अंदर कदम रख गया उसके अंदर हुआ क्या हमने लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन यानी विदेशी कंपनियां भारत आ सकती हैं इंस्पेक्टर राज खत्म किया जा रहा है सरकार अपने कुछ हिस्सों को प्राइवेट कंपनियों को बेच रही हैं इस प्रकार से हमने एलपीजी रिफॉर्म्स को उस समय अपनाया एलपीजी रिफॉर्म्स को जब अपनाया तो जो लेफ्टिस्ट पार्टी है लेफ्ट पार्टी बोले तो वो पार्टी जो वामपंथी विचारधारा की है जो ये मानती है कि नहीं हमको गुलाम बनाया था इंडस्ट्री वालों ने तो दोबारा इंडस्ट्रीज को नहीं आने देंगे तो जब दोबारा नहीं आने देंगे तो क्या करें तो बोले ऐसी स्थिति में सरकार के इन रिफॉर्म्स का विरोध किया जाना चाहिए क्यों विरोध किया जाना चाहिए बोले ये देश को दोबारा वैसे ही गुलाम बना देंगे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था तो बोले इस चलते ये लोग सरकार के विरोध में आगे उतार है अच्छा इसी दौर में 6 दिसंबर उन्नीस सौ में क्योंकि उस समय बीजेपी सत्ता में नहीं थी अपोजिशन में थी तो उस समय अडवाणी जी जो हैं वो देश के अंदर यात्राएं निकाल रहे थे और उसी दौर के अंदर बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो जाता है बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ एलपीजी रिफॉर्म हुआ ऐसी दो तीन घटनाएं बड़ी बन गई जिससे नरसिम्हा राव साहब के पास में अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति आ गई कि बोले सरकार में विश्वास ही नहीं है अपोजिशन ने इनके खिलाफ 26 जुलाई 1993 में अविश्वास प्रस्ताव तो किसने पारित किया तो वामपंथी नेता हुआ करते थे अजय मुखोपाध्याय वो पेश कर दिए संसद में ले जाकर के कि सरकार को अब ये चेक करा लेना चाहिए कि इनके पक्ष में कितने लोग हैं और कितने लोग नहीं हैं क्यों बोले इन ये लोग पूरी तरह से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सामने सरेंडर कर दिए हैं उन्हीं की बात मान करके एलपीजी रिफॉर्म हमारे यहां पर कर रहे हैं हम धीरे धीरे अपनी आत्मनिर्भरता खो देंगे हम विदेशों के गुलाम हो जाएंगे अब हम यहां पर धार्मिक संकट भी हो गया तो बोले अब हमको इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है 543 में से कुछ लोग भाई कोई रिटायर्ड हो गया कोई बीमार हो गया कोई मर गया कुछ इस प्रकार की स्थितियां हो सकती तो उस समय सांसद समय में थे, जिस समय कांग्रेस को अपना अविश्वास प्रस्ताव पर बहुमत साबित करना था यानी इसमें इस से अब आधा कितना हुआ सत्ताईस छब्बीस दूना न छब्बीस और चार दो वोट चाहिए थे टेक्निकली दो वोट चाहिए थे कांग्रेस को जीतने के लिए ठीक है हुआ क्या कांग्रेस के पास वोट मात्र दो ही थे अब दो थे तो भाई बाकी अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव को जीतना है तो आपको मतलब होगा क्या अविश्वास प्रस्ताव को गिराना पड़ेगा यानी अविश्वास जो पार्टी लेकर आई है कि भाई हमको इनमें विश्वास नहीं है उनके तो वोट पड़े दो यानी जो कांग्रेस के नंबर थे वो तो पड़े अविश्वास के पक्ष में और सत्ता के पक्ष में आए वोट दो यानी कांग्रेस की सरकार बच गई अब जो है वो इस बात के टेंशन में चली गई नंबर तो थे का चुनाव मनु, मनु, मनु भी कैसे हार गए सत्ता तो मतलब हिमाचल में इनके पास में तो थे पूरे लेकिन बाकी लोग हो सकता है बीजेपी के साथ जाके मिल गए हो तो ऐसी स्थिति उस समय हुई बोले ये क्या हुआ आज जो आप चंडीगढ़ का मामला देख रहे हैं या हिमाचल का मामला देख रहे हैं या कहीं का भी मामला देख रहे हैं ये मामले पहले एक बहुत जबरदस्त तरीका केंद्र सरकार को बचाने के लिए हुए थे अब हुआ क्या कि चौदह वोटों के अंदर यह सरकार गिर गई चौदह वोटों से सरकार मतलब गिरने से बच गई और एक तरह से कहिए तो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया अब अविश्वास प्रस्ताव गिर गया तो सब फ्रस्ट्रेशन तो आनी थी फ्रस्ट्रेशन किस बात की कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है दया कैसे बोले हंड्रेड परसेंट कोई आदमी बिका है तो बिका है तो क्या हुआ साहब जानकारी निकलकर आई कि राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा ने एक फरवरी उन्नीस में सीबीआई में, में शिकायत दी और कहा कि उन्नीस के अंदर जो अविश्वास प्रस्ताव आया था ना उसके खिलाफ वोटिंग करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM, सोरेन परिवार झारखंड वाले उनके चार सांसदों समेत कुल बारह सांसदों को तीन करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत दी गई थी अब आप विचार करिए कि यह बात एक पार्टी अपनी तरफ से क्लेम कर देती है अब भाई जब सीबीआई के पास में इस बात का विषय जाएगा मैंने आपको पहले भी कहा है कि अपोजिशन को अगर लगता है कि सरकार कुछ गुनाह कर रही है तो वो जाकर सीबीआई के के पास के पास ईडी शिकायत कर सकती है भाई पब्लिक कर दीजिए ना कि हम ये शिकायत करके आए सीबीआई को जांच करनी चाहिए मोरल प्रेशर बन जाएगा ऐसे उस समय भी हुआ तो सीबीआई के पास गए और शिकायत करके आए सीबीआई ने जांच करके जब पता लगाया तो साहब ये आरोप की जांच करते हुए सीबीआई ने तत्कालीन पी नरसिम्हा राव कांग्रेस के नेता बूटा सिंह झारखंड मुक्ति मोर्चा के चार सांसद जो अविश्वास प्रस्ताव में रिश्वत के आरोपी थे उन सब के बारे में जानकारी जुटाने शुरू किया जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सिब्बू सोरेन सुरेश मंडल शैलेंद्र महतो, साइमन मरांडी इन सब के नाम शामिल आ गए तो सीबीआई ने अपनी जांच के अंदर यह जानकारी प्राप्त करना शुरू कर दिया इनमें से जो शैलेंद्र महतो थे जो पैसा लिए थे ये खुद सरकारी गवाह बन गए यानी सीबीआई के साथ जुड़ गए और कहा कि साहब मैंने पैसे लिए थे पचास पचास लाख रुपए हमें दिए गए थे यानी खुलेआम ये बात पता चल गई कि सरकार बचाने के लिए पैसे दिए गए थे सोचिए कैसा दौर रहा होगा पचास पचास लाख रुपए की बात खुलकर सामने आ गई सीबीआई ने तीन चार्जशीट कोर्ट में पेश करी इनमें से अक्टूबर उन्नीस में, में पहली चार्जशीट में शैलेंद्र महतो की गवाही के आधार पर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव कांग्रेस नेता सतीश शर्मा और बूटा सिंह समेत जेएम सांसदों के खिलाफ अभियुक्त बना दिया गया कि साहब ये प्रधानमंत्री क्योंकि अब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तो बोले साहब जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी तो बोले साहब अब इनको हम वो बना रहे हैं कि ये इस मामले के दोषी थे दिसंबर उन्नीस सौ के अंदर एक दूसरी चार्जशीट दी गई जिसमें कि कर्नाटक के तत्कालीन सीएम वीरप्पा मोइली मंत्री एनएम रेवन्ना और समय शराब काम के कारोबारी थे रामलिंगा रेडी एम थिनेगोड़ा इनकी इन्होंने पैसे के लिए रकम जुटाई थी रिश्वत के लिए रकम इन लोगों ने जुटाई थी उन्नीस में मैं तीसरी चार्जशीट दी जिसमें बताया गया कि जनता दल के सांसदों समेत अन्य सांसदों को नामित किया था इसमें अजीत सिंह रामलखन इन सब के नाम निकल कर आए यानी सीबीआई ने कंप्लीट जांच करके रिश्वत कांड का खुलासा कर दिया यदि सोशल मीडिया का वो वाला दौर होता तो सोचिए हाय तबा मची होती खुलेआम ये पता चल गया है कि मुख्यमंत्री रिश्वत जुटा रहा है प्रधानमंत्री रिश्वत दे रहा है जो आज के दौर में हम लोग सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है भाई साहब ये कब बंद हुआ है ये बड़ा सवाल चल रहा है जब तक कोई नहीं पकड़ा जा रहा है तब तक ही वो स्पष्ट है आप विचार कीजिए कि ये बातें सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में स्पष्ट रूप से निकाल दी अब क्या हुआ अब जब ये सारी बातें चार्जशीट में आ गई तो कोर्ट में जाना ही था मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो साहब इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट से डिमांड की गई कि सर अब जब पता चल गया है कि प्रधानमंत्री ने रिश्वत दी है पूरी तरह से रिश्वत कांड चला है तो इन पर सर दोषियों को सजा दी जानी चाहिए तो अब बोले करें क्या तो ऐसी स्थिति में उन्नीस में, में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजेस की बेंच ने तीन से मामले की सुनवाई करते हुए कहा क्यों कहा अब इसके पीछे की कहानी सुनिए असल में ट्रायल कोर्ट के अंदर इन लोगों को दोषी करार दे दिया गया था क्योंकि सीबीआई ने जब अपनी ट्रायल कोर्ट में यह देखा कि ये तो सब दोषी हैं तो तीन साल की सजा सुना दी गई थी लेकिन ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ नरसिम्हा राव के लोग जो थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट की सर देखिए हमको कैसे आप हमें जेल भेज सकते हैं बोले क्यों बोले सर हमारे संविधान में आर्टिकल 105 सौ क्लॉज दो कहता है कि संसद में कोई किसी को भी वोट दे संसद में कोई कुछ भी भाषण दे वो उसका विशेष अधिकार है आप उस विशेष अधिकार में हनन नहीं कर सकते यानी कि संसद के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस ने कहा कि माननीय रिश्वत लेकर किया है ये काम बोले तो क्या हुआ कुछ भी हो अल्टीमेटली रिश्वत तो ली थी ना लेकिन दिया तो वोट ही था ना बोले मतलब बोले वोट देने के लिए हमने उनको क्या समझाया ये हमारा इंटरनल मैटर है सुप्रीम कोर्ट के तीन जजेस इस बात से कन्विंस भी हो गए संवैधानिक बेंच बैठी थी लेकिन तीन दो की बेंच ने फैसला दिया कि नहीं 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 सही बात कह रहे हैं पीएम साहब इन्होंने अगर कहा कि इन्होंने रिश्वत दी थी तो कोई बात नहीं रिश्वत को भी हम हम विशेष अधिकार बना देते हैं कोई बात नहीं इनको दे दो जिसको वोट देना है दे कोई बात नहीं नहीं साहब करेंगे गिरफ्तार और वहां से ये लोग बच की बेंच ने रिश्वत लेने को गलत करार दिया है अगर उस समय सुप्रीम कोर्ट यह फैसला दे दी होती तो साहब जेल में होते ये सारे सारे सांसद सारे सारे वो विधायक जिन्होंने इस तरह से पैसा जुटाया वो सांसद रिश्वत जुटाई और सारे सारे वो सांसद जिन्होंने वोट बदले थे सब जेल में होते उम्मीद है अब तो साहब खुलेआम ये काम होने लगा क्यों बोले पैसे से वोट देने के ऊपर कुछ नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हमें इम्यूनिटी मिल गई है हम जेल नहीं जा सकते जेल नहीं जा सकते तो चलना शुरू हो गया मामला और खूब एक सौ पांच एक सौ चौरान क्या है ये मैं आपको अपना जब कोर्स वो हो जाएगा सेशन खत्म हो जाएगा तो जीके भाई अंकित अवस्थी सर जो हमारा टेलीग्राम चैनल पूरा कंटेंट मैं वहां पर दे दूंगा इस विषय के ऊपर खूब बहस हुई बाद में भी कहा गया जी ने कहा कि भले ही यूपीए जीत गई हो लेकिन जनता के सामने वो मोरल रूप से हार गई थी नैतिक रूप से हार गई थी ऑब्वियस बात अब ऐसा ही एक मामला और हुआ साहब क्या हुआ 2008 के अंदर आप देखें यहां पर संसद के अंदर कुछ नेता अपने हाथ में नोटों की गड्डी लेकर खड़े हुए हैं लेकिन अब आप सोचिए कि हमारे सांसदों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो यहां जो करें हम कर सकते हैं हमको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता मतलब सोचना 1998 में सुप्रीम अगर ये कह देती कि भ्रष्टाचार गलत चीज है रिश्वत लेके वोट देना मतलब सरकारी गवाहत तक उपस्थित था जो कह रहा था कि सात पचास लाख मैंने लिए थे वोट देने के लिए तब भी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं कोई बात नहीं जाइए अच्छा है संसद महोदय है सांसद महोदय है भाई साहब खुलेआम नोटों की गड्डियां फिर लहराना शुरू हो गई क्या हुआ 2008 के अंदर भाजपा के तीन सांसद सदन के अंदर नोटों की गड्डियां लेकर आए और सांसदों ने दावा किया कि यूपीए की गवर्नमेंट में उन्हें ये तीन गड्डियां जो मिली हैं ये उनके पक्ष में वोट देने के लिए उन्हें इतना पैसा दिया गया ये लोग नोट लेकर खुद गवाह बनकर सामने आ गए कि देखो ऐसा हो रहा है ना कोई फर्क नहीं पड़ा क्यों नहीं पड़ा मनमोहन सिंह जी की सरकार थी मनमोहन सिंह थे भगोरा अशोक अरगल फग्गन ये सब नोटों की गड्डियां लहरा रहे थे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, ने कह रखा था कि ना कोई दिक्कत नहीं है आराम से करो बोले पैसा लेके जाओ तुमको जो देना है दो यार बंदूक की नोक पे वोट दिलवा लो कोई दिक्कत नहीं करो जो करना है ठीक है साहब इसका भी कुछ हुआ नहीं साहब कोई फर्क नहीं पड़ा सरकार चलती रही मतलब अब ये खुलेआम होने लगा कि रिश्वत से वोट खरीदे जा सकते हैं कोई बात नहीं लेकिन हर चीज का एक समय आता है समय क्या हुआ 2012 के अंदर शिब्बू सोरेन की जो पुत्रवधू हैं डॉटर इन लॉ हैं उनका नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीता सोरेन वो अक्यूज की गई थी कि राज्यसभा के इलेक्शन में क्योंकि अब जब ससुर साहब इनके रिश्वत लेकर के सरकार बचाते हुए पाए गए थे पुराने दौर में तो इन्हें तो एक परसेंट पेंटेंशन नहीं थी तो बहु तो बिल्कुल संस्कार में लेकर के चली आ रही है कि ठीक है पिताजी ने हमारे करा था ऐसा काम तो क्या गलत है तो ऐसी स्थिति में ये राज्यसभा के अंदर राज्यसभा के इलेक्शन में ऐसे ही पैसे लेकर के वोट दे रही थी पैसे लेके वोट दे रही थी राज्यसभा के अंदर क्रॉस वोटिंग दे रही थी इस बार मामला थोड़ा टाइट हो गया क्या हो गया बोले कब तक चलता रहेगा इस मामले को वापस उठाया जाए झारखंड हाईकोर्ट में इन्होंने मतलब इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया तो ये कई कहने कि उन्नीस सौ से इम्यूनिटी प्राप्त है सर हमें कुछ नहीं हो सकता है ठीक है सर इस बात को लेकर के ये मामला धीरे धीरे यहां से निकलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कि साहब ऐसे कब तक चलता रहेगा 2014 में झारखंड हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया उसने कहा सर ऐसे कैसे मतलब ऐसे तो खुलेआम कह रहे हो कि संसद में भ्रष्टाचार होना चाहिए मतलब भ्रष्टाचार और रिश्वत लेना क्या संसद का मूल अधिकार है तो ऐसी स्थिति में बोले सर हम नहीं मानेंगे सर हम इनका आपराधिक मामला दर्ज रद्द नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं ये पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट कि सर ऐसा कैसे कर सकते हो

और बिठाकर ये जो नरसिम्हा राव वाला जो केस था ना इस फैसले को ही पलट दिया इस स्थिति में सीता सोरेन का पक्ष रखने गए रामू रामचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सर देखिए ऐसे मामले तो भाषण के मामले में भी हुए हैं भाजपा के एक सांसद रमेश विदुड़ी हैं उन्होंने अपमानजनक बयान दिया है वोट दें या भाषण दें लेकिन दोनों के अंदर अभियोजन से वो मिलती है कि नहीं सुरक्षा मिलती है कि नहीं सर इन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए सर इनको वोट देते समय प्रोटेक्शन मिलना चाहिए सर ई ने कहा माननीय सांसदों आपसे गुजारिश है वोट के लिए रिश्वत लेते हुए अगर आप पाए गए तो इसका मतलब यह एक आपराधिक क्रत्य है वोट या स्पीच कुछ भी अगर पैसे लेकर दी गई है तो ऐसी स्थिति में उसे अपराध माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गजब की बात आई इसके लिए तो मतलब एक प्रकार से तालियां बनती है कि इतना बड़ा निर्णय आया है संभवतया इसकी वजह से भविष्य में बहुत कुछ संभव होगा संविधान के अंतर्गत आर्टिकल एक और एक सौ के अंदर विचार विमर्श का माहौल बनाए रखने की बात की गई है अगर कोई सांसद सवाल करे या वोट करे तो संविधान के अनुच्छेदों का अपमान होगा अगर उसने घूस लेकर यह काम किया है संसदीय विशेष अधिकार का उल्लंघन होगा ऐसी स्थिति में रिश्वत लेने से इन अनुच्छेदों को नहीं ढका जा सकता मतलब कुल मिलाकर भ्रष्टाचार और रिश्वत लेना गलत है जब कोई जनप्रतिनिधि घूस लेता है है तो उस पर केस बन जाता यह मायने नहीं रखता कि उसने उसके बदले में भाषण दिया सवाल पैसे ले लिए तो केस है और नरसिम्हा राव मामले के अंदर इस फैसले को बदल दिया गया तो उम्मीद है कि आप लोगों को अब यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी और जब यह बात समझ में आ गई तो अब आप समझ जाइए कि यहां से आगे अब जितने भी मामले होंगे चाहे फिर वो मैया मोइत्रा का मामला हो या कोई भी मामला हो अब यहां से आगे सांसदों पर और कोई भी जो वोट दे रहा पैसे पैसे के लिए वोट दे रहा है उनके ऊपर अब तलवार लटकेगी उम्मीद है कि आप सभी साथी इस पूरे सेशन से भली भांति बहुत ही बेहतरीन कंटेंट पाने में कामयाब हुए होंगे अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने में गुस्सा कंजूसी ना करें बढ़िया से चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों के साथ शेयर करें चैनल पर नए हैं अपना लाइक कमेंट छोड़ें और अपने साथियों को भी इस चैनल के बारे में अवगत कराएं मेरे प्यारे साथियों

आर पी एफ एस यूपी पुलिस उन सबके लिए डिटेल में फाउंडेशन बैच चला रहे हैं आप निश्चित यहां पहुंच करके क्लासेस का लाभ लेना सुनिश्चित करिए बेहतरीन क्लासेस चलाई जाएंगी और आपको बेहतरीन ज्ञान दिया जाएगा इसी के साथ साथ यदि आप हमारे पेड बैच में शामिल होना चाहते हैं तो अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर बीपीएससी के बैच उपलब्ध हैं बीपीएससी प्लस जीएस फाउंडेशन जो रुद्र फाउंडेशन है उसका बैच उपलब्ध है इसी के साथ साथ ये सब वो बैचेज हैं जो आप ऑर्डनरी टाइम में अगर लेते हैं तो इतने रुपए का है लेकिन हम महीने के सात दिन में इन बैचेस की रेट्स कम भी करते हैं अगर आपको तत्काल प्रभाव से ये रेट चाहिए तो आप ले सकते हैं बाकी बीच में महीने में कुछ सात दिन हम ऐसे लेके आते हैं जहां पर हम अपने बैचेस के अंदर प्राइसेस को स्लैश डाउन करते हैं तो अगर आप उस दिन का इंतजार करें तो तब कर लीजिए नहीं तो अभी से भी बहुत बढ़िया लाइव क्लासेस क्लास की पीडीएफ बहुत ही जबरदस्त और हमने एक यूट्यूब पर वीडियो भी डाला है अपनी पाठशाला पीसीएस पर जाकर देखिए हमारी पूरी टीम से मिली है कि बी में कौन कौन पढ़ा रहा है एप्लीकेशन पर बाकायदा हमने डाल दिया है कौन कौन क्या क्या पढ़ा रहा है ना जाकर आप आराम से पढ़िए और आनंद लीजिए बढ़िया से बाकी अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए जैसे कि मतलब हिस्ट्री हिस्ट्री का ही मैं नोट्स आपको दिखाऊं जैसे ये हिस्ट्री और ये हिंदी इंग्लिश में हमारे बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स आपके घर पर डिलीवर किए जा रहे हैं आप उनको अपने घर पर मंगा सकते हैं मात्र वन ट्रिपल नाइन में सिक्स बुक का सेट आता है थ्री थाउजेंड से अधिक पेजेस का आपके घर पर इंक्लूडिंग कुरियर चार्जेस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स पहुंचाए जा रहे हैं थैंक यू सो मच अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हाँ.